रहा था नाटक वो बच्चा बोल में काट रहा था। हां अरे थी ये भैया बोल के घंटी रात में निकला ये चावड़ा तो नहीं निकला हमें भी बोल में दौड़ा हुई है बड़ा गबड़ा था वो तो हमारा ये महीना टीए लगेला टींडा ओन्नारी 12 नहीं बजे तक करीन पुरा लग आप की रूम टींडा क्या लगाया ऑर्बिट रहा ऑर्बिट ऑर्बिट अच्छा ये वीएनआर अच्छा चलते हैं नीचे की ओर और चेक करते हैं कि अभी तक जो है हमारा पानी गया है या नहीं गया है नीचे के ट्रिपर के अंदर। बाकी ये जो बैगन का रोपा हमने लगाया था वो परफेक्टली चेत गया है और अब जो बारी है हमारी उसमें क्या करना है कि क्लोरो वगैरह छोड़ के और इसके अंदर जितने भी कीड़े वगैरह है और लाल लट जिसे बोलते हैं वो उसे भी मारना है हमको, तो इसके लिए क्लोरो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ क्योंकि आपको यूज़ उतना ही करना है इसको क्योंकि कीड़ा आपको दिखेगा नहीं और सुबह आप रात में सोओगे और सुबह वापस आके देखोगे तो आपकी फसल गायब। इसके लिए देखो हम नीचे के छोर पे आ गए हमारे कुटी के पास में और यहाँ देखते हैं पानी हमारा टपकने लगा है या नहीं लगा है। ठीक है गाइस दिख रहा होगा आपको पानी टपक रहा है, तो अब वापस ऊपर जाके हम अपने जो खाद घोलने का प्रोसेस है वो दवाई घोलने का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट सभी ऊपर के अंदर पानी गिरने लग गया है। ठीक है देख सकते हो यहाँ पर हमने एक रुपये वाला जाइनर लगा के दोनों छोरों को मिक्स कर दिया है और यहाँ पर जो टेप वगैरह लगा के हमको फिट करना है वापस से जहाँ जहाँ आपका ये नुकसान हुआ है मतलब डिवी वगैरह फटी हुई है उस पर प्रयोग करके आपको ठीक कर सकते हो। ठीक है बाकी ये हमारा बैंगन का हर्स का रोपा है। ठीक है ये वाला हर्स है और हर वैरायटी हमारा जो हरा बैंगन होता है वो वाला है ये वाला और उधर देख सकते हो मंजूश्री का। ठीक है
अब हमारी प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हाथ खुलने वाली मंचूरी से हम छोड़ेंगे आज दवाई। ओके, सेट हो गया है ये कैमरा हमारा।